एक्चुअली सॉरी बिकॉज हमारे चैनल पे अब तक अभी कोई भी वीडियो नहीं आई थी। वीडियो ना आने का कारण ये था कि पहला एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, दूसरा घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और तीसरा यह है कि हमारा घर बन रहा है तो उस पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, हमारे चैनल की शेयर करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सारी वीडियोज़ देखिए, सबको लाइक करिए, पसंद आए तो हमें कॉमेंट्स बताइए, ठीक है, और मेरे को कॉमेंट्स बताइए कि मुझे किस किस टॉपिक से वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो टॉपिक है कि हम लोग जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप है लखनऊ टू गोला गोकरनाथ से जाएंगे हम लोग दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और इस चक्कर में रिश्तेदारों इतना मैं खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतनी मज़ा आने वाली ना, क्योंकि हम पिछले बार गए थे कि अयोध्या गए थे, ठीक है, अयोध्या भी हम लोग रोड ट्रिप गए थे। मुझे रोड ट्रिप ज़्यादा पसंद है ट्रेन से ट्रैवल करने से या फिर एयरप्लेन से, जितना मज़ा आता है ना गाड़ी चला कर या फिर गाड़ी चला कुछ चला लो बैठो पीछे आराम से ना, उतने मज़ा मतलब तुम्हें प्लेन नहीं आएगा ना या फिर तुम्हें ट्रेन में आएगा, ठीक है, मतलब है सबके अपना अलग अलग मज़ा है, सब किसी सबको ट्रेन में अच्छा लगता है, किसी को एरोप्लेन में अच्छा लगता है, ठीक है, अपना है, नो प्रॉब्लम इन दैट। और सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ तक हम लोग एक राउंड ट्रिप होने वाली है, ठीक है, हमारी मतलब हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे। और हमारी फैमिली में क्या होता है कि हम लोग ट्रिप ना कभी बन जाती हमारी की आज यहाँ से आज हम लोग कब बनी थी ट्रिप 23rd को बन गई थी हमारी कि भैया हमें चलना है गोला गोकरनाथ, अचानक से मिलने बनता हमारी फैमिली, मतलब आज यहाँ चलना है, मतलब आज उस दिन यहाँ चलना है, उस दिन यहाँ चलना है, मतलब जो सबसे जो अभी उतने से रीसेंट ट्रिप्स जो होती हैं मतलब एकदम से जो बन जाती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से होती हैं ना, ये करो वो करो, ठीक है, इधर से इधर ये पैकिंग करनी है वो पैकिंग करनी है, तो बड़ी मज़ा आती है उस सब चीज़ों में, ठीक है, क्या करूँ मैं, तो मुझे तो रोड ट्रिप्स में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पहले तो गोला गोकरनाथ, वहाँ पर हम लोग मंदिर में कम से कम आधा एक घंटा रुकने वाले हैं, जैसे भी हो सब कुछ है, ठीक है, और हम लोग कल निकलेंगे सुबह 6:30 बजे, समझ रहे हैं आप, लिटरली सुबह सुबह 6:30 बजे, मतलब इतनी ठंड में कोहरा वाला हो रहा है यार, कोहरा मतलब लखनऊ में तो काफ़ी कोहरा है, ठीक है, इस समय ठंड बहुत हो रही है तो, ठीक है, और कैसे जाएंगे हम लोग वैन से, मेरे स्कूल वाले भैया जी जो हैं जो वैन से छोड़ते हैं स्कूल, तो उनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे वैन से, अयोध्या भी हम लोग वैन से गए थे उन्हीं के साथ, और उन्हीं के साथ जाएंगे हम लोग गोला गोकरनाथ जाएंगे दुधवा, जो कि डिस्टेंस पड़ता है लखनऊ से गोला का डिस्टेंस पड़ता है 58.1 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, और गोला टू दुधवा का डिस्टेंस पड़ता है अराउंड 63.3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आपका 30-45 मिनट्स में कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है, ठीक है। और बस सारी पैकिंग चल रही है, मम्मी ने उधर खाना वाना बना लिया है और हमने सारी चीज़ें बैग वैग पैक कर ली हैं, बैग क्या पैक करना, मतलब वहाँ रुकने नहीं वाले आएंगे, मैंने अपना स्कूल बैग पैक कर लिया है, इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, फ़ोन, ठीक है, और अपना चार्जर रख लिया है, और क्या कहते हैं वो बैटरीज इन द सेंस कि फ़ोन चार्ज करने के लिए वो होता है ना, क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, बनता हूँ, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें पैक हो गई, मास्क रख लिया मैंने, हैंड सैनिटाइज़र की एक फुल बॉटल रख ली है मैंने, अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं, और आई होप हमारी ट्रिप है पिछली बार की तरह अच्छी रहे, खूब मज़े आए हम लोग ट्रिप में। मैं आपको डिटेल्स सारी दे दूंगा इस वीडियो में अभी, ठीक है, एंड वीडियो के एंड में सारी इमेजेस डाल दूंगा, आप लोग डिटेल्स देख सकते हो उस पर कि उसमें क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या रहने वाली कॉटेजेस हैं वहाँ पे खूब सारे, तो कॉटेजेस किस किस तरीके के कॉटेज में, सारी चीज़ें डाल दूंगा वीडियो के एंड में, आप लोग आराम से देखना, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो, मेरे हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए किसी तरीके से, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, हमारे 12 के हो गए हैं, आई लिटरली फील दैट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया कि हमारे 12.3 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लिटरली मुझे आप लोग बहुत थैंकफुल हूँ आपका मैं। बस यहीं तक है, मैं आपको कल वीडियो बना के भी डालूंगा यूट्यूब पे सारी कि हम लोग कैसे कैसे
से देना, क्या क्या चीज़ें देनी, ठीक है। और वीडियो वाली जो है थोड़ी लंबी होगी, तो उसे आराम से इंजॉय करेगा अपनी फैमिली के साथ। और अगर आप लोगों का कभी मन करे आने जाने का, ठीक है, वहाँ पे गोलक अमरनाथ या फिर जहाँ भी आपको जाना है, ठीक है, दुधनेश्वर, तो मैं आराम से देख लेना कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर जाना, ठीक है, दुधनेश्वर पार्क चले जाना, बहुत अच्छा पार्क है, फॉरेस्ट पूरी फीलिंग आती है, बिल्कुल फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट की फीलिंग आएगी, सॉरी, मतलब आप इंजॉय करना, ठीक है, फुल हमारी वीडियो को इंजॉय करना आराम से, चिप्स पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक बिल्डिंग सब तैयार कर लेना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगी, कसम से बता रहा हूँ, यू विल लव दैट, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। Every single day.